इंसान को निरोग बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका निभाता है योग। इसी योग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस साल आज यानी बुधवार को पूरी दुनिया 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है, जिसके उपलक्ष्य में आज पूरी दुनिया ने योग किया। अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करके लोगों ने योग के महत्व से दुनिया को जागरूक कराया। इसी के चलते रेहाड़ी कोटली कॉलोनी जम्मू के आर्य समाज में पतंजलि महिला समिति जिला प्रभारी प्रेम रसूत्रा द्वारा भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर चेयरमैन इंडिया योगा एसोसिएशन डॉक्टर श्रेयंस जैन भी मौजूद रहे। चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। मुंह बंद, हंसिए। मुंह हंसी, मौन हंसी। एक दूसरे को देखिए, एक दूसरे को विश करिए, एक्शन करिए। और 1, 2, 3। आज तो बहुत मुबारक वाला दिन है। हमारा योग जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, आज 9वां साल है इसका, कि मोदी जी की कृपा से जो हमारा योग है ये सारी दुनिया में फैला हुआ है। पहले भी योग था लेकिन किसी किसी को नहीं पता था, लेकिन अब मोदी जी की कृपा से और रामदेव जी की कृपा से ये जगह जगह फैल गया है। सभी को इसके बारे में पता है। हमें निरोग रखने के लिए, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक शांति के लिए योग और प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। तो इसी के उपलब्ध में आज हम यहाँ समाज में, आर्य समाज में करवा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सभी को इससे फ़ायदा ही होगा और एक मैसेज जाएगा, इंस्पायरेशन मिलेगी करने के लिए। योग से तो बहुत ही काफ़ी किस्म के तकरीबन अगर हम शुरू से बचपन से बच्चों को करवाना शुरू करें तो हर रोग तकरीबन दूर ही होता है। लेकिन फिर भी जैसे बड़े बड़े रोग भी, डायबिटीज़ है, बीपी है, इवन कि कैंसर भी अर्ली स्टेज में हम इसको, इससे दूर कर सकते हैं। और डेली योग करने से हमारे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो है, मोटापा है, थायराइड वगैरह जो आजकल कॉमन हो गई हैं, ये तो दूर होती ही होती हैं। लेकिन शर्त है कि हमको उसको डेली रूटीन में करना है और आराम से करना है, ध्यानपूर्वक करना है। मैं डॉक्टर श्रेयंस कुमार जैन, चेयरमैन इंडिया योगा एसोसिएशन, स्टेट कमिश्नर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और प्रेसिडेंट विचार क्रांति मंच इंटरनेशनल। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इंटरनेशनल योगा डे, 9वां इंटरनेशनल योगा डे पूरी दुनिया में तो मनाया जाता ही है। पिछले साल भी 200 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और इस बार प्रसन्नता का विषय ये है कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी यूएस में जाके योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वक्त चल रहा है वहाँ पर कार्यक्रम, शाम को 5 बजे शुरू होना था। तो योगा डे ठीक है, बड़ा सुंदर है, लेकिन योग एक दिन की क्रिया नहीं है। 21 जून को मनाया बड़ा अच्छा है, लेकिन योग तो जीवन का अंग होना चाहिए। जिस प्रकार से व्यक्ति भोजन करता है, एक दिन भी भोजन के बगैर नहीं रहता, तो योग के बिना कैसे रह सकता। मैं तो अक्सर कहता हूँ, जिस दिन योग नहीं उस दिन भोग नहीं। और पहली बात यह है कि शरीर को ठीक रखना, शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है योगासन से, और मन और इंद्रियां प्रभावित रहती है प्राणायाम से। और अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में हम जाएं तो उसके लिए ध्यान जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब हम ध्यान करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन की वृत्तियां शांत होती हैं, हमें क्रोध, ईर्ष्या, जेलिसी बहुत कम आता है, मन संतुलित रहता है। तो धीरे धीरे, ठीक है शारीरिक योग से शुरू हुआ, धीरे धीरे योगों में यम नियम का समावेश भी होगा, पतंजलि महाराज ने जो हमको दिया है। तो दुनिया के अंदर योग
किसी ने बनाया नहीं है। पतंजलि महाराज ने 5000 वर्ष पूर्व को लिपिबद्ध करके लिख के दिया है। और फिर अनेकों संस्थाएं आई, लेकिन जो स्वामी रामदेव जी ने तहलका मचाया है योग के क्षेत्र में आज से 30 वर्ष पूर्व, और उस पर सोने पे सुहागा मोदी जी का इंटरनेशनल योगा डे यूएन से पास करवाना, यूएन में प्रस्ताव रखा गया आज से 8 वर्ष पूर्व, और उसको वहाँ से मान्यता मिली। आज हर व्यक्ति योग के विषय में जानता है कपालभाति और अनुलोम विलोम क्या है योगा के। तो मैं सबको बधाई देता हूँ कि इसी प्रकार से आगे ये सिलसिला चलता रहे और लोग स्वस्थ रहें, शांत रहें और सहज।